नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस नॉलेज पॉइंट में। दोस्तों, हमने कारखाना अधिनियम में इससे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसमें था कि सारे डेफिनेशंस को हमने देखे थे, उसके अलावा हम लोगों ने देखे थे कि कार्य के घंटे से संबंधित प्रावधान क्या है, फिर युवा व्यक्तियों के नियोजन से संबंधित क्या प्रावधान है, फिर वार्षिक सवेतन छुट्टी से संबंधित क्या प्रावधान है। इन तीन प्रोविजंस के बाद से हम लोग इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, सुरक्षा के लिए प्रावधान। दोस्तों, सुरक्षा के लिए जो प्रावधान है उसमें जो ये चैप्टर आता है वो अध्याय चार के अंतर्गत आता है, और जो इसके जो सेक्शंस हैं वो आपके मैंने सिलसिलेवार ढंग से जो है सो इंडेक्स में दिया हुआ है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, यानी यहाँ से ये कंटिन्यूस मैनर में चलेगा और ये आगे बढ़ते हुए आपका जाएगा 36 तक। 36 के बाद से ये 37 आएगा, 37 एंड देन 36 बाद 36A, फिर 37, फिर 38, फिर 40, और 40 के बाद से फिर आपको 40B में देखना पड़ेगा, 40B के बाद 41, और ये 36 के बाद जो है सो थोड़े से टिपिकल जो सेक्शंस हैं, तो इस चीज़ पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं सुरक्षा के लिए प्रावधान। सुरक्षा के लिए प्रावधान में जो हमारा पहला है वो है मशीनों की घेराबंदी। मशीनों की घेराबंदी कहने का तात्पर्य यह है कि जो कारखाने के अंदर जो मशीन रहते हैं, ठीक है, उसके जो गतिशील भाग हैं, जो मूवेबल पार्ट्स हैं, टरबाइन हो गया या जनरेटर हो गया या कोई खतरनाक पार्ट्स हो गया, ठीक है, उसकी घेराबंदी काफ़ी आवश्यक है ताकि कोई दुर्घटना ना घटे। फिर है दोस्तों गतिशील मशीन या उसके नज़दीक कार्य। गतिशील मशीन या उसके नज़दीक कार्य हेतु किसी वयस्क पुरुष को ही उसमें एंगेज किया जाएगा, नियोजित किया जाएगा, जो कार्य में निपुण हो। इनके कपड़े भी थोड़े से चुस्त होने चाहिए, साथ ही साथ जो मशीन को चलाने वाला बेल्ट होता है वो एटलीस्ट 50 सेंटीमीटर यानी 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रहना चाहिए। फिर आता है दोस्तों खतरनाक मशीनों पर युवा व्यक्तियों का नियोजन। युवा व्यक्तियों का तो नियोजन नहीं किया जाएगा, परंतु अगर आवश्यकता पड़े तो उसे उचित प्रशिक्षण और निर्देशन में, यानी उसका जो है ट्रेनिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, और वो भी ट्रेनिंग वैसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण में, सुपरविज़न में होना चाहिए जो उस पर पहले से काम कर चुका हो, यानी वो पहले से उस पर कार्य कर चुका हो। फिर आता है दोस्तों प्रभावशाली उपकरण एवं शक्ति के स्रोत काटने के उपकरण। जहाँ शक्ति की सहायता से मशीन चलाए जाते हैं, यानी पावर की सहायता से मशीन चलाए जाते हैं, वहाँ मशीन की गति को कम करने या उसको कंट्रोल करने के लिए जो है सो ये उपकरण जो है सो शक्ति के स्रोत को काटने के उपकरण, फ्यूज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें उचित संख्या में और उपयुक्त स्थान पे लगाए जाएंगे। फिर आता है दोस्तों हमारे स्वचालित मशीनें। स्वचालित मशीनें मशीनों की जो डिस्टेंस है उसका डिस्टेंस है दीवार से कम 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर आता है दोस्तों हमारे नए मशीनों को ढकना। जो नए मशीन आते हैं उसको ढकने की उचित व्यवस्था की जाएगी, और उसके उसको ढकने हेतु जो है सो आवश्यक उपकरण जो है सो कारखाने के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाएंगे, और जिस मशीन को ढकने का कोई इंतज़ाम ना हो या ढकने का कोई उपकरण ना हो, वैसे मशीन का सेल एवं परचेज जो है सो पूर्णतः दंडनीय अपराध इस अधिनियम के तहत माना गया है। फिर आता है दोस्तों रुई धुनाई के नज़दीक महिलाओं एवं बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध। जैसा कि इस टॉपिक से ही लगता है कि ये नियोजन पे प्रतिबंध है महिलाओं एवं बच्चों का, लेकिन जो धुनाई का जो दो पार्ट्स होता है, एक तो स्टार्टिंग पार्ट्स होता है और एक जहाँ पे रुई धुनाई होता है, तो स्टार्टिंग पार्ट्स में महिलाओं एवं बच्चों को यानी प्रारंभिक किनारों पे महिलाओं एवं बच्चों के नियोजन पे रोक नहीं लगाया गया है, उसे नियोजित किया जा सकता है, बशर्ते कि जो धुनाई का अगला किनारा है वो या तो उस पहले पार्ट से अलग हो या दीवार के उस पार हो, यानी दोनों के बीच सेपरेशन होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों उत्तोलक एवं भारवाहक, जो लिफ्ट होता है हमारा, ठीक है, तो दो किसी कारखाने के अंतर्गत जो ये उत्तोलक एवं भारवाहक ये अगर लगे हों तो उसका जो जांच पड़ताल है, ठीक है, उसका वो जांच पड़ताल जो है सो 6 यानी 6 महीने के 6 महीने में कम से कम एक बार अवश्य करना है, और साथ ही साथ जो लिफ्ट है उस पर मैक्सिमम वेट जो अत्यधिक भार होता है, ठीक है, उसको उस पर अंकित कर दिया जाएगा ताकि कोई भी श्रमिक या नियोजक उस पर उस मैक्सिमम वेट से अधिक कोई वजन ना डालने को कहे। फिर आता है दोस्तों भारवाहक मशीन, सिकरी रस्सी और भारोत्तोलक।
इसके अंतर्गत ये कहा गया कि इस तरह की जो चीज़ें होंगी उसका जो यांत्रिक जांच है वो 12 महीने पे करा जाएगा, और इसे 6 मीटर के आसपास के क्षेत्र में रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो इसमें था कि उत्तोलक और भारोत्तोलक जो लिफ्टिंग मशीन था उसको 6 महीने पे एक बार उसकी जांच पड़ताल करी जाएगी, वही भारवाहक मशीन, सिकरी, रस्सी, ये इस तरह की चीज़ें जो रहेगी उसको 12 महीने में उसकी यांत्रिक जांच की जाएगी, और 6 मीटर के डिस्टेंस पे उसे रिस्ट्रिक्टेड यानी प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। फिर आता है दोस्तों हमारा घिसाई मशीन, ठीक है। घिसाई मशीन जैसे कि कोई काटने वाला आरी टाइप का चीज़ होता है, इस तरह की चीज़ें जो कारखाने के अंतर्गत प्रयोग की जाती है, ठीक है, उसके गति को निर्धारित कर उस पे उसका जो गति है वो भी अंकित कर दिया जाएगा, ताकि जो श्रमिक हैं उसको देख के उसके अनुरूप जो है सो उस मशीन पे कार्य करें। तो ये हो गया हमारा घिसाई मशीन। फिर दोस्तों जो इसमें अगला हमारा प्रोविज़न आता है वो आता है दबाव उपकरण। दबाव उपकरण आता है हमारा दोस्तों, दबाव उपकरण के अंतर्गत ये कहा गया कि जो किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी किसी विनिर्माण प्रक्रिया में मशीन का कोई भी भाग वायुमंडलीय दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक प्रेशर पे कार्य करता है, तो उसके प्रेशर को कंट्रोल करने हेतु कोई आवश्यक उपकरण यंत्र जो है सो नियोजक के द्वारा लगाया जाएगा। फिर आता है दोस्तों फर्श सीढ़ियों पर पहुंच के रास्ते। फर्श सीढ़ियों पर पहुंच के ऑब्वियसली सामान लाया जाता है, ढोया जाता है, और यह सामान उतारा जाता है, तो ऐसे केस में ये सारे जो रास्ते हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली यानी मजबूत बने होने चाहिए। फिर दोस्तों आता है हमारा फर्श में सुराख, गर्त एवं हौज इत्यादि। ये सारी चीज़ें चूँकि कभी कभी खतरनाक साबित हो सकती है किसी कारखाने के अंतर्गत, इसीलिए फैक्ट्री के अंतर्गत अगर ये सारी चीज़ें बनी हो तो उसे उचित तरीके से ढक देना चाहिए, उसकी घेराबंदी कर देनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। फिर आता है दोस्तों हमारा अत्यधिक भार, मैक्सिमम वेट। मैक्सिमम वेट तो सबसे पहले तो किसी श्रमिक को अत्यधिक भार उठाने के लिए नहीं कहा जाएगा, और इस संबंध में जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, आवश्यक नियम बना सकती है, और कितना भार किसी श्रमिक को उठाना चाहिए इस संबंध में वो नियम बना सकती है। फिर आता है दोस्तों हमारा आँखों की सुरक्षा। आँखों की सुरक्षा यानी कारखाने के अंतर्गत जो जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स और जो अत्यधिक लाइट्स वगैरह होती है, इन सारी चीज़ों से सुरक्षा हेतु नियोजक श्रमिकों को कुछ रंगीन चश्मा टाइप का चीज़ देगा, या इसके लिए कुछ वैसा प्रबंध करेगा, उचित प्रबंध करेगा, ताकि श्रमिकों के आँखों की सुरक्षा हो सके। फिर आता है दोस्तों खतरनाक गैस, धूल, धुआं इत्यादि के संबंध में सावधानी। तो ये जो सावधानी है इस खतरनाक गैस के संबंध में, धूल, धुआं, इन सारी चीज़ों की स्थिति में सावधानी तो बरती जाएगी, साथ ही जो बिजली के बारे में कहा गया, विद्युत प्रकाश के नहीं नहीं सॉरी खतरनाक गैस के बारे में, तो एक तो सावधानी बरती जाएगी, और साथ ही साथ जो है सो इसके लिए जो उचित कदम है वो नियोजक के द्वारा उठाया जाएगा कि भाई इस तरह की चीज़ें हो रही है तो उससे श्रमिकों को ज़्यादा नुकसान ना हो। फिर आता है दोस्तों 36A। 36A में कहता है विद्युत प्रकाश के प्रयोग संबंधी सावधानी। इसमें भी सेम चीज़ है कि सावधानी जो है सो बरती जाएगी श्रमिकों के द्वारा भी और नियोजक के द्वारा भी, इसके संबंध में उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही साथ जो मैक्सिमम 24 वोल्ट का जो विद्युत प्रकाश है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल लाइट्स वगैरह, इस तरह का जो इसके इसके ढोने का जो कार्य होता है, ले जाने का कार्य होता है, वो 24 वोल्ट तक ही, मैक्सिमम 24 वोल्ट तक ही सीमित करा जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर विद्युत प्रकाश के समय से संबंधित कार्य होते हैं, उस क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को मैक्सिमम 24 वोल्ट के विद्युत प्रकाश को ले जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। फिर दोस्तों आता है हमारा विस्फोट, विस्फोट या ज्वलनशील धूल गैस इत्यादि। विस्फोट या ज्वलनशील धूल गैस इत्यादि को रोकने का यथासंभव प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ अगर ऐसे चीज़ें उत्पन्न होते हैं तो उसे कार्यस्थल से, वर्क प्लेस से निकालने हेतु, निष्कासन हेतु आवश्यक एवं उचित उपकरण लगाए जाएंगे, ताकि श्रमिकों को परेशानी ना हो। फिर आता है दोस्तों आग की स्थिति में सावधानी। आग की स्थिति में फायर अलार्म हो गया, सेफ्टी पैसेज हो गया, फायर एक्सटिंग्यूशर जो आग जलाने के उपकरण होते हैं या अलार्म होते हैं, इन सारी चीज़ों को उपयुक्त जगह पर रखा जाएगा और उपयुक्त संख्या में रखा जाएगा। ऐसा इसलिए
कि जो आग लग जाए तो ऐसी स्थिति में नियंत्रण पाया जा सके। फिर आता है दोस्तों भवन एवं मशीनरी की सुरक्षा। भवन एवं मशीनरी की सुरक्षा, अगर कोई भवन हो गया काफ़ी पुराना हो चुका है या कोई मशीन है उसके टूटने या गिरने की संभावना हो, तो ऐसे स्थिति में फैक्ट्री इंस्पेक्टर जो है सो यानी कारखाना निरीक्षक वहाँ कार्य स्थगन का आदेश यानी वर्क को पोस्टपोन करने का आदेश दे सकता है। फिर आता है दोस्तों हमारा सुरक्षा अधिकारी। सुरक्षा अधिकारी, इसकी जो नियुक्ति है वैसे कारखाने में किया जाता है जहाँ 1,000 श्रमिक कार्य करते हों, साथ ही साथ जहाँ खतरनाक विनिर्माण प्रक्रिया का कार्य होता हो, वैसे जगह पर नियोजक सेफ्टी ऑफिसर का की नियुक्ति कर सकता है। यानी 1,000 श्रमिक कार्य करते हों और साथ ही साथ जहाँ पे खतरनाक प्रक्रियाएं होती हो, और इसके जो नियुक्ति है वेतन भत्ते अधिकार कर्तव्य जो भी हैं ये इन सारी चीज़ों के संबंध में स्टेट गवर्नमेंट आवश्यक नियम बनाएगी। फिर आता है दोस्तों नियम बनाने का अधिकार। किसी कारखाने के अंतर्गत जो ये सारी चीज़ें हैं इन सारी चीज़ों से संबंधित जो नियम बनाने का अधिकार है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। फिर आता है खतरनाक कार्य। खतरनाक कार्य के संबंध में जो नियम है वो राज्य सरकार नियम बना सकती है ताकि खतरनाक कार्य तो उसमें कंट्रोल लाया जा सके या उससे कम से कम श्रमिकों को परेशानी हो, दुर्घटनाएं कम हो। और इस खतरनाक कार्य के संबंध में प्रोविज़न्स भी हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर आता है दोस्तों 80, 88A, 89 यानी दुर्घटना, खतरा, बीमारी इत्यादि की सूचना। अगर ये सारी चीज़ें होती है यानी कहीं किसी कारखाने के अंतर्गत दुर्घटना होती है या कोई खतरा उत्पन्न होने की संभावना रहती है या कोई बीमारी फैलती है, ठीक है, ऐसी स्थिति में जो नियोजक है इसकी सूचना मुख्य निरीक्षक या सरकार को ज़रूर से ज़रूर देगी। फिर आता है दोस्तों 90, 91A दुर्घटना या बीमारी सुरक्षा एवं कार्य संबंधी जांच का अधिकार। ये जो दुर्घटना या बीमारी से संबंधित जो जांच पड़ताल है वो स्टेट गवर्नमेंट भी करा सकती है और राज्य सरकार भी करा सकती है। तो स्टेट गवर्नमेंट को सेक्शन 90 के तहत ये अधिकार प्राप्त है और जो हमारा केंद्र सरकार है केंद्र सरकार को सेक्शन 91A के तहत ये अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी दुर्घटना या बीमारी से संबंधित आवश्यक जांच पड़ताल करा सकती है। तो दोस्तों ये हमारे सुरक्षा के प्रावधान हो गए। इसमें एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि जो सेक्शंस हैं वैसे आपको पता है कि सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शंस को आप कोशिश करें कि उसको पूरी तरह से याद रखें, जिसमें कि ये 21 से लेकर 36 तक कॉन्टीन्यूअस मैनर में है। 21 से लेकर 36 तक कॉन्टीन्यूअस मैनर में है। फिर 36 के बाद थोड़ा सा कुछ अलग टिपिकल टाइप से इसके सेक्शंस हैं। तो 36 के बाद कुछ टिप्स या ट्रिक्स बना के इसको आप याद रखें। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रोविजंस की तरफ। अगले प्रोविजंस में है हमारा स्वास्थ्य के लिए प्रावधान। स्वास्थ्य के लिए जो प्रावधान है ये हमारे चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है और इसमें जो सेक्शंस हैं हमारे वो कॉन्टीन्यूअस मैनर में हैं, वो हैं 11 से लेकर 20 तक। दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि जो 11 से लेकर 20 तक ये तो कॉन्टीन्यूअस मैनर में है, लेकिन आपको जो ये प्रोविजंस हैं सारे वो भी उसी के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइजेशन में याद करना होगा। सफाई को 11 में, कूड़ा करकट बहिष्कार को हटाना ये 12 में, संवातन एवं तापमान वेंटिलेशन 13 में, धूल एवं धुआं 14 में, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी कृत्रिम आर्द्रता 15 में, अति भीड़ प्रकाश पेयजल शौचालय में मूत्रालय थूकदान। तो दोस्तों इसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके पहले पॉइंट से जो है सफाई। सफाई में कहा गया है कि जो कार्यस्थल में जितने भी कूड़ा करकट गंदगी ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न होती हैं उसकी सफाई प्रतिदिन करनी होगी। फिर जो फर्श है इन सारी चीज़ों का मतलब कार्यस्थल की सफाई है जहाँ पे कीटाणु गंदगियाँ अधिक से अधिक उत्पन्न होती हैं वैसे जगहों को सप्ताह में एक बार कीटाणुनाशक से सफाई करनी होगी। फिर 3 वर्ष के अंतराल पर एक बार यानी जो कारखाने के अंतर्गत जो कार्यस्थल है उसका फर्श, दीवार, इन सारी चीज़ों पे अगर घुलने योग्य जल रंग से यानी वाटर वॉशेबल पेंट से कलर किया गया हो, पेंट किया गया हो, तो 3 वर्ष के अंतराल पे पुनः उसी जल रंग के द्वारा पेंट किया जाएगा, रंगाई किया जाएगा। अगर अन्य इसके अलावा यानी वाटर वॉशेबल पेंट के अलावा कोई अन्य रंग से पेंट किया गया हो तो इस केस में 5 ईयर्स है, 5 साल पे उसकी पुनः रंगाई करनी होगी। फिर 3 वर्ष के अंतराल पे
3 वर्ष के अंतराल पे उसका वर्निश किया जाएगा, और कोई अन्य केस हो उस केस में 14th मंथ पे जो है सो उस पे सफ़ेदी वगैरह इन वाइट वाइट वॉशिंग किया जाएगा। तो दोस्तों इसमें है कि पहले तो प्रतिदिन सफाई की जाएगी, फिर सप्ताह में एक बार कीटाणुनाशक के द्वारा साफ़ किया जाएगा, फिर 3 वर्ष के अंतराल में घुलने योग्य जल रंग से पुनः रंगाई की जाएगी। अगर अन्य रंग से किया गया हो तो उस केस में 5 वर्ष में पुनः उसकी रंगाई की जाएगी, या कोई फिर 3 वर्ष के अंतराल में उसका वर्निश किया जाएगा, अन्य केस में 14 माह के अंतर्गत। फिर दोस्तों आता है कूड़ा करकट एवं बहिर्स्राव को हटाना। कारखाने के अंतर्गत अगर कोई विनिर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कूड़ा करकट और ये सारी चीज़ें जो उत्पन्न होती है उसको हटाने का पूरा प्रबंध किया जाएगा, ताकि कर्मकार के स्वास्थ्य में यानी जो श्रमिकों के स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। फिर आता है दोस्तों संवातन एवं तापमान, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन के लिए दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान, ये सारी चीज़ें कारखाने में कार्यस्थल पे उचित संख्या में जो है सो लगाने का प्रबंध किया जाएगा, और ये काफ़ी बड़े बड़े भी होने चाहिए ताकि जो है सो प्रकाश आ सके। उसके बाद से फिर तापमान की बात आती है, टेम्परेचर की बात आती है, तो टेम्परेचर उतना ही रखा जाएगा जितना कि जितने में कि कोई कर्मकार या कोई श्रमिक सुविधाजनक रूप से कार्य कर पाए। फिर मशीन का अगर कोई पार्ट्स है जो अत्यधिक हीट उत्पन्न करता है, गर्मी उत्पन्न करता है, तो उसके इंसुलेशन की व्यवस्था की जाएगी, यानी उसे उसके हीट को कम करने की व्यवस्था की जाएगी। और अगला आता है कि कारखाने का छत इस प्रकार से हो, यानी जो छत की लंबाई या छत इस प्रकार से बनाया जाएगा ताकि अत्यधिक गर्मी उत्पन्न ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि छत या तो थोड़ी ऊंचाई पे रहे, या छत का जो मटेरियल है उसके ऊपर का फर्श है वो कुछ ऐसे इंसुलेटर से ढक दिया जाए, या वैसा इंसुलेटर वहाँ पे प्रयोग किया जाए ताकि अत्यधिक गर्मी उत्पन्न ना हो। तो ये हो गया संवातन एवं तापमान। फिर आता है दोस्तों धूल एवं धुआं। कारखाने के अंतर्गत जो विनिर्माण प्रक्रिया यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती है, धूल एवं धुआं, इन सभी को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने हेतु और इसके निष्कासन हेतु नियोजक द्वारा उचित कदम उठाया जाएगा। साथ ही साथ जो फैक्ट्री रूम है यानी कारखाने के अंदर जो अंतर्गत जो कार्यस्थल है जहाँ पे कि इंटरनल कंबशन इंजन इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग उसी केस में किया जाएगा जब तक कि उस इंटरनल कंबशन का जो चिमनी है उसका जो माउथ पीस है जहाँ से धुआं निकलता है वो आकाश की तरफ खुला रहे, तभी जाके इस तरह के इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग किया जाएगा। फिर आता है दोस्तों हमारा कृत्रिम आर्द्रता, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी अगर कारखाने के अंतर्गत बढ़ाई जाती है तो ऐसे केस में कर्मचारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के किया जाएगा। साथ ही साथ ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए जो वाटर जिस जल का प्रयोग किया जाता है वह जल स्वच्छ होना चाहिए, और वह जल वैसे स्थान से जो है सो नियोजक यूज़ करेगा, वैसे स्थान से उस जल का उपयोग करेगा जो पीने के पानी में प्रयोग किया जाता है, यानी साफ़ और स्वच्छ होना चाहिए। फिर आता है दोस्तों अति भीड़। अति भीड़ के अंतर्गत आता है जो मतलब मैक्सिमम जो क्राउड की सिचुएशन ना हो, यानी जो कार्यस्थल है जहाँ पे कि कार्य होता है वहाँ पे उतनी संख्या में ही श्रमिकों को कर्मकार को लगाया जाएगा जिससे कि वे सुविधाजनक स्थिति में कार्य कर सके। और अति भीड़ के लिए जो कंडीशन है हमारा वो है 14.2 क्यूबिक मीटर, यानी 14.2 क्यूबिक मीटर, 14.2 घन मीटर प्रति श्रमिक जो है सो कार्य करने के लिए जगह देना आवश्यक है। और जो छत का हाइट है, ठीक है, कारखाने के अंदर का जो कार्यस्थल में छत का जो हाइट है वो अगर 4.2 मीटर से अधिक होगा तो उसे 4.2 मीटर ही मानकर उसकी गणना की जाएगी। तो इसमें दो चीज़ आई हमारी कि 14.2 क्यूबिक मीटर घन मीटर प्रति श्रमिक जो है सो कार्य करने के लिए जगह दिया जाएगा, कर्मकार उतना ही लगाया जाएगा जितना कि जितने में कि वे सुविधाजनक रूप से कार्य कर पाए। और फिर अगर दीवार की लंबाई 14.2 मीटर है तो उसे 14.2 से अधिक है तो उसे 14.2 मीटर मानकर ही गणना की जाएगी। फिर आता है दोस्तों प्रकाश, लाइट। लाइट के अंदर कहा गया है कि किसी भी कारखाने के प्रत्येक कमरे, ठीक है, उसके कमरे हो गए या कार्यस्थल हो गया या बरामदा आंगन हो गया या रास्ता हो गया या सीढ़ी हो गया, इन सारी जगहों पे प्रकाश की
उचित व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो। साथ ही साथ खिड़कियाँ, रोशनदान, ये सारी चीज़ें तो पहले भी इससे पहले भी देख चुके थे हम लोग कि उचित संख्या में और बड़े बड़े रखे रखे जाएंगे ताकि नेचुरल लाइट आ सके। फिर आता है दोस्तों हमारा पेयजल यानी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर तो ऑब्वियसली शुद्ध और शीतल पेयजल की व्यवस्था नियोजक द्वारा की जाएगी, इस प्रोविजन के अंतर्गत कहा गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया है कि जो हमारे कारखाने के अंतर्गत जो शौचालय में मूत्रालय होते हैं, जो या कोई गंदगी वाले स्थान होते हैं, ठीक है, वहाँ से 6 मीटर, ठीक है, एटलीस्ट 6 मीटर के डिस्टेंस पे जो है सो हमारे पीने का जो पीने के पानी की जो व्यवस्था की जाएगी या वाटर कूलर लगाया जाएगा, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था एटलीस्ट 6 मीटर की दूरी पे करी जाएगी। साथ ही साथ जहाँ पे 250 एम्प्लॉई यानी 250 एम्प्लॉई से अधिक हैं किसी कारखाने के अंतर्गत, तो वहाँ पर गर्मी के समय में कूल ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था की जाएगी। फिर आता है दोस्तों हमारा पेयजल के बाद आता है शौचालय मूत्रालय। ये जो इसकी व्यवस्था जो है सो मेल फीमेल के लिए अलग अलग किया जाएगा। साथ ही साथ जहाँ पे 250 श्रमिक से अधिक एम्प्लॉय कार्य करते हैं, वहाँ पे स्वास्थ्यकर टाइप के जो शौचालय एवं मूत्रालय ये बनाए जाएंगे। साथ ही साथ जो उसका दीवार है, ज़मीन से 90 सेंटीमीटर तक दीवार पर टाइल्स लगाया जाएगा ताकि सफाई अच्छे से हो सके। इसमें तीन चीज़ें हैं, 250 श्रमिक की बात कही गई कि उसके केस में स्वास्थ्यकर टाइप के लगाए जाएंगे, फिर ज़मीन से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक टाइल्स लगाए जाएंगे। फिर आता है दोस्तों थूकदान। थूकदान जो है सो इसके बारे में कहा गया कि ये उचित संख्या में हर जगह कारखाने के हर एक प्लेस पे रखा जाएगा और साथ ही साथ इसकी सफाई भी की जाएगी। और जो इसके नियम का उल्लंघन करता है यानी जहाँ थूकदान है वहाँ पे अगर कोई श्रमिक या कोई व्यक्ति कारखाने के अंतर्गत थूक नहीं फेंकता है, तो ऐसे स्थिति में 5 रुपये के दंड का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ये है हमारा स्वास्थ्य के लिए प्रावधान।